तो अब ए इंटरसेक्शन ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन ए बराबर लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी, क्योंकि इंटरसेक्शन की जो डेफिनेशन होती थी वो हमने अभी पढ़ी है। इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, यहाँ पे हमने पढ़ी थी ए इंटरसेक्शन बी बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पे हमारे पास ए इंटरसेक्शन ए की जगह ए इंटरसेक्शन ए ही है इसमें, तो यहाँ से हम ये हो गया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, क्योंकि एक्स बिलोंग्स टू ए भी है एक्स बिलोंग्स टू ए दोनों, तो इसको एक बार लिख सकते हैं। तो यहाँ से हो गया एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, तो एक्स बिलोंग्स टू ए ये कौन सा सेट हो गया ए, तो यहाँ से हो गया ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए, ये प्रूफ हो गया फ्रेंड्स। अब सेकंड देखते हैं ए यूनियन ए बराबर, तो ए यूनियन ए बराबर क्या होगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए, या तो एक्स ए से होगा या फिर एक्स ए।